दोस्तों आज मैं आपके लिए मटन चुस्ते और कलेजी का एक ऐसा रेसिपी लेकर के आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मटन चुस्ते के अंदर क्या क्या मसाले भरे जाते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो रेसिपी देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने 700 ग्राम मटन कलेजी और चुस्ता हमने लिया है, दो पीस हमने लहसुन लिया छिला हुआ, 15 से 20 पीस हमने बादाम लिया है और एक एक चम्मच ये ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची ले लिया हमने और ये आधा किलो हमने प्याज कट करके रख लिया है और ये 15 से 20 पीस हमने इसके अंदर बादाम भरना है चुस्ते के अंदर। देखिए हमने मसाला शुरू कर दिया भरना और उसके बाद ये सारा लहसुन इसके अंदर भर देंगे हम और उसके बाद इसके अंदर तेल कैसे डालना है वो अब हम आपको आगे दिखाएंगे। ये हमने लहसुन इसके अंदर डाल दिया है और ये सारे मसाले हम अब रेडी करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। मार्केट से मसाले बहुत अच्छे होते हैं, जो पाउडर वाले मसाले मिलते हैं और ये हमने बादाम भी 4 से 5 पीस लिया मसाले में और 8 से 10 पीस हमने लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा लहसुन लिया है हमने और ये हमने कुकर को गर्म कर दिया है और इसके अंदर 200 ग्राम के करीब हम सरसों का तेल डालेंगे। अच्छी तरह से जब हीट हो जाएगा फिर इसके बाद हमने 3 पीस इसके अंदर तेज़पत्ते डालने हैं और उसके बाद ये जब अच्छी तरह से पक जाए तेल तो सारा प्याज इसके अंदर डाल देना है। और दोस्तों ये हमने सारा इसके अंदर कलेजी इसके अंदर हमने डाल दिया है और ये मसाले जो हम पेस्ट बनाए हैं वो भी इसके अंदर डाल दे रहे हैं। 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी लेंगे और 1 चम्मच नमक टेस्ट के अनुसार और ये हमने जो बादाम और लहसुन इसके अंदर भरा था इसके अंदर हम सरसों का तेल भी भर देंगे कि अंदर से चिपकने नहीं पाएंगे, अच्छी तरह से ये पक जाएंगे और अच्छी तरह से इसका खुशबू देखिए शुरू हो गया फैलना। 2 पीस हमने इसके अंदर खड़ा लहसुन लिया हमने, अब इसको अच्छी तरह से हम चला देंगे और चलाने के बाद इसके अंदर 8 से 10 पीस हमने हरी मिर्च ली है, इसको और स्पाइसी बनाएंगे। अब इसको 20 मिनट तक हमको ढक करके पकाना है और ये हमारा 20 मिनट तक पक चुका है मटन कलेजी। अब इसको अच्छी तरह से चला करके हम, पानी सूख चुका है इसके अंदर से सारा, अब इसको अच्छी तरह से हम ढकेंगे और 2 से 3 सीटियां लगाएंगे। हम पहले से भी इसको 20 मिनट से पका रहे हैं और 10 मिनट तक इसको और पकाएंगे, 2-3 सीटियां इसके अंदर आ जाएंगी। ये देखिए हमने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है और इसमें सीटी आने लगी है। अब इसका प्रेशर ख़त्म हो चुका है, अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कैसा बना है। पूरे किचन में इसका खुशबू फैल चुका है और देखिए कितना प्यारा कलर इसके अंदर आया हुआ है। कभी आप खुद इस तरह से ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में कुछ और इससे यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेकर।